काफी देर से पैदल चल रहा था, उसके बाद अभी राहत की सांस लिया हूँ मैं। पहाड़ का एक पत्थर भी गिर जाता है गाड़ी के ऊपर तो आपकी गाड़ी का कचूंबर बन जाएगा। सीन हो गया भाई, बहुत खतरनाक वाला, बीच जंगल में। हेलो बड़ी, वेलकम अगेन। मैं ऑल इंडिया पैदल ही चेकिंग विदाउट मनी ट्रैवलर। मैं हूँ अभी रोइंग में और जा रहा हूँ यहाँ से अनिनी, जो कि यहाँ से 235 किलोमीटर है और लगभग 5 किलोमीटर चल लिया हूँ मैंने रोइंग से, और 230 किलोमीटर मुझे चलना है। देखते हैं क्या होता है। बहुत हाइटेड एरिया है, पहुँचने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा चढ़ाव है इधर पे। देखते हैं क्या होता है और कब तक ये पहुँच पाते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए और मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए, घर बैठे बैठे डिजिटली ट्रैवल करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम पेज ब्लॉगिंग कीड़ा। फिर मिलेंगे वीडियो के आगे, तक वीडियो को स्किप न कीजिए। देखते हैं क्या होता है। A few minutes later. Finally guys, मुझको लिफ्ट मिल चुका है और फुल्ली अनिनी तक का लिफ्ट मिला है। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी देर से पैदल चल रहा था उसके बाद अभी राहत की सांस लिया हूँ मैंने। फाइनली भैया भी अनिनी तक के जा रहे हैं और मेरा लगेज। भाई मज़ा आ गया भाई, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती वहाँ पे, क्योंकि बताया था कि रास्तों पे घर भी नहीं है, बीच में घर नहीं है ना भैया, बीच में घर नहीं है। कितना किलोमीटर है इधर से अनिनी? यहाँ से 250 किलोमीटर। और उसके बीच में कितने कितने किलोमीटर के बीच में घर नहीं है? घर में आपका 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसे। ओ भाई साहब, 20-30 किलोमीटर के बीच बीच में घर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल जंगल के बीच में मैं रहता और रात हो जाती तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ पे टाइगर वगैरह एनिमल्स सारी चीज़ें हैं ना भैया, तो इसलिए अच्छा हुआ भाई लिफ्ट मिल गया है। बाकी इन्जॉय करते हैं रास्ते को और मिलते हैं फिर अनिनी में। मैं तो बोलूँगा भाई कि एक बार अरुणाचल की रोडों का ट्रिप करो, पहाड़ में जो रोडें हैं उनका ट्रिप करो। डर क्या होता है आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल में रोड इतनी छोटी है कि एक गाड़ी जाने की जगह है, उसमें भी अगर चूक हुई तो आप सीधा खाई में चले जाओगे, इतना डेंजर सिचुएशन है। और देखो रोड खतरनाक है भाई, देख रहे हो, मतलब पहाड़ है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये पहाड़ के नीचे से गाड़ी जा रही है और पहाड़ का एक पत्थर भी गिर जाता है गाड़ी के ऊपर तो आपकी गाड़ी का कचूंबर बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार तो आप लोग अरुणाचल के पहाड़ों के रोडों का ट्रिप कीजिए, बहुत शानदार और आपको मज़ा आएगा और एक्सपीरियंस होगा मौत को टक से छू के वापस आने का वो फील मिलेगा और यहाँ के नेचर की खूबसूरती देखने मिलेगी। फाइनली यहाँ पे एक्सपर्ट ड्राइवर ही ड्राइविंग कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है नहीं, ये रियलिटी है, बिकॉज हर कोई यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता है। रोड इतनी सकरी होती है, इतनी छोटी होती है कि मोमेंटम, थोड़ा सा भी मोमेंटम बिगड़ा तो आप सीधा डाउन चले जाएंगे और आपकी गाड़ी का क्या हाल होगा वो तो निकालने वाला जानता है गाड़ी। ये भैया है जो कि बहुत देर से बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हैं और बचा बचा के गाड़ियों को निकाल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हर कोई, बेसिकली क्या बोलना चाहिए कि ट्रेन ड्राइवर यहाँ पे ड्राइव कर पाएगा और बीआरओ का काम चल रहा है फिलहाल,
क्या जगह है भाई। पीछे ये लॉरी है एक्चुअल में, और इसमें वो पुल का जो ब्रिज का लोहा होता है वो लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं और कुछ सिनेमैटिक सीन मैं शूट करता हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है मुझे देखने में लग रहे हैं। उम्मीद करूँगा आपको भी अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को वॉच कीजिए कंटिन्यू और स्किप ना कीजिए। तो रिसेंटली भी एक विलेज पे रुके हुए थे, यहाँ पर नाश्ता वास्ता किया, खाना वाना, और उसके बाद ये हमारा ट्रेलर जिसपे भी लोड है सामान। ठीक है, ये ब्रिज का सामान है वो ही जा रहा है, और आसपास के खूबसूरत नज़ारे भाई क्या ही खूबसूरती है इधर पे। ये होटल पे रुक के खाया है अभी, और फिर से चलते हैं अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया हमारा ट्रेलर, ठीक है तो चलते हैं। सीन हो गया भाई बहुत खतरनाक वाला, बीच जंगल में, इस साइड खाई है, इस साइड पहाड़ है, और दूर दूर तक के कोई गांव नहीं है, कई किलोमीटर तक के। और यहाँ पे बीच में हमारी गाड़ी का जो पीछे का है, पीछे साइड का फर्स्ट वाला टायर जो फट गया एकदम गंदी कंडीशन में, मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। 6 बज रहा है रात का, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और कोई गाड़ियाँ भी नहीं चलती है इस रूट पर ज़्यादा, तो क्या करें, दिक्कत हो गया बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी टायर की हालत क्या हुई है। देखो भाई क्या हालत हुई है टायर की, पूरा ख़त्म हो चुका है भाई, समझ रहे हो। चलती चलती गाड़ी, अभी ट्रेलर हमारा खड़ा है जंगल में, पूरा अंधेरा हो चुका है देखो। और ये ट्रेलर की हालत भाई, टायर की, डर गया भाई मैं एकदम से, खटखट खटखट आवाज़ आने लगी, तक खतरनाक सीन हुआ। मैं बोला अब क्या हो गया भाई, उठ के देखा, मैं लेटा हुआ था एक्चुअल में, उठ के देखा तो भाई सीन हो चुका था भाई यहाँ पे। तो क्या अब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, पता नहीं कितना भैया कितना किलोमीटर होगा इधर से गाँव। 12 किलोमीटर भाई, इतने अंधेरे में 12 किलोमीटर, और हाइट इतनी है ज़्यादा, पहाड़ है चारों तरफ, ये देखो दिख भी नहीं रहे होंगे सही से। और ये हालत हो चुकी है टायर की भाई साहब, रिंग आ गया भाई बाहर, फट चुका है पूरा बहुत बुरी तरीके से, क्या ही भाई सीन हो गया यार। देख रहे हो भाई दोनों टायर फट गए भाई, वो वाला भी गया और ये वाला भी गया। अच्छा हुआ भाई कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, किसी को भी लगी नहीं चोट वोट, ट्रक कहीं ठुका नहीं तो हैवी नुकसान हो जाता भाई, जान माल दोनों का नुकसान हो जाता। अभी माल का नुकसान हुआ है वो भी कह, देखते हैं अभी क्या करते हैं। चलने के लिए बोल रहे हैं भैया आगे की तरफ, एक गांव होगा 12 किलोमीटर यहाँ से, अब देखते हैं क्या होता है। हाय बड़ी गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे रोइंग के लिए निकल चुके हैं, और जैसा कि मैंने दिखाया था आपको वीडियो में कि ट्रक एकदम पंचर हो गया, दोनों टायर ब्लास्ट हो चुके थे और बहुत बुरी तरीके से फट चुके थे। इस वजह से वहाँ से गुजरते हुए एक ट्रक को मैंने रोका और उनसे लिफ्ट लेकर मैं रोइंग की तरफ निकल चुका हूँ, और रात में मैं यहाँ सोया हुआ था। और इसके आसपास के नज़ारे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई खतरनाक सीन है, बहुत मज़ेदार। और अभी हम निकल रहे हैं रोइंग के लिए, हमारा ट्रक दूसरा चेंज किया है हमने, और देखते हैं क्या होता है, और इसमें कोई दिक्कत ना है, देखते रहें सफ़र का हिस्सा बने। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो जरूर करें, तो देखते हैं अभी क्या होता है, बने रहिएगा एंड तक के। तो अभी थोड़े दूर आने के बाद वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर दुकानें नहीं थी कुछ भी, वो घर था एक्चुअल में और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो बन रहा था। अभी यहाँ आए हैं, चाय वाय पीते हैं भाई, चाय ज़रूरी होती है सुबह सुबह, चाय वाय पीते हैं और देखते हैं निकलेंगे फिर इधर से, देखते हैं क्या निकलना ही होगा इधर से फिर। चलिए तो चलते हैं। तू बात करे नाम से, चाहे आंखों का पैगाम ले, पर हिम्मत कहना अरे हो बदले, मुझे देखना तू मेरा नाम ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, बोले तो बन जाऊं मैं बल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मैं भी नाचूं मनाऊं सोने हार को चलूं, मैं तेरी राग ले आ, मैं भी नाचूं रे जाऊं सोने हार को करूं परवाह ले।
तो अभी हम लोग एक जगह और सामान डिलीवर करके और आगे के लिए निकल चुके हैं। ये भैया एक और ये बच्चे लोगों को उठाया है यहाँ से। बच्चे लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ अनिनी के। बच्चे लोग हाय कर दो। हाय इधर देखो, ये देखो, नाम बताओ अपना, क्या है नाम? हेमी मानो। और आपका नाम? जाबो मीबो। जाबो मीगो। मीहू। जाबो मीहू। वाह, तो ये है भैया बच्चे, देखो बहुत अच्छी जगह है, जगह भी खूबसूरत है। छोटे छोटे बच्चे क्यूट क्यूट से बड़े ही प्यारे आधे रास्ते तक के जा रहे हैं। एक्चुअल में इनके वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मौसी के घर या मामा के घर। जो भी है इनको ड्रॉप करेंगे रास्ते तक। ओ मज़ेदार जगह है भाई। मैं फाइनली अभी अनिनी पहुँच चुका हूँ और एकदम फ्रंट पे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ मैं इस खूबसूरती को महसूस करते हुए। ओ भाई बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई लव अनिनी। माँ से भाई आई लव अनिनी। बहुत बैकग्राउंड पे देखो इसके बड़े बड़े पहाड़ जिसमें बर्फ जमी हुई है। ये देखो, ये इस जगह को एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही प्यारा लुक देते जो इस खूबसूरत सी जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और ये हमारा ट्रक है जिसमें मैं आया हूँ फिलहाल। पता नहीं यहाँ से 2-4 किलोमीटर और बचा होगा नीनी, बीच में लैंडस्लाइड हुआ था, मैंने उसका वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया, सॉरी। बट जो भी है बहुत अच्छा है और सेफली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है आसपास अनिनी के कुछ प्लेस को विज़िट करके। ऐसा ना हो कि जल्दी से विज़िट करके और जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ और भैया के साथ ही वापस चला जाऊँ। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक के। वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। फिर मिलेंगे ऐसे खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।